हम लोग रुके थे तो पहले तो मिलिट्री वालों ने भैया गाड़ी अपनी आगे पीछे कर लो, जब गाड़ी को हाथ से उठा करने लगे तो लगता है गाड़ी संभलने वाली नहीं थी, इतना वजन था गाड़ी में कि संभल ही नहीं रही थी। तो लगा जब तक कोई एक आदमी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए तो गाड़ी नीचे है, छोटा सा कोई कस्बा रामसू, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस खाकी वर्दी में। मैं ध्यान करके देख रहा हूँ कि दर्द कहाँ कर रहा है, पीठ दर्द कर रही है कि कमर दर्द कर रही है कि पोंदू दर्द कर रहा है कि सीट दर्द कर रही है, तो लगा कि पीठ में कहीं अकड़न है। लैंडस्लाइड जोन, दाहिनी तरफ का पहाड़ देख के डर भी लग रहा है कहीं टपकना पड़े धीरे से, कई रंग के पहाड़, रंग रंग के पहाड़, कुदरत ने इतने रंग भर रखे हैं इन पहाड़ों में कि नज़ारा बगल में आप देख के समझ सकते हैं। जो हम लोगों ने गियर पहन रखे इतने हैवी हैं और इतने ज़्यादा हैं कि कहीं पे अगर रुकना चाहें तो ऐसा लगता है कि यार छोड़ो जाने दो, रुक के क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टॉप पे रुकेंगे। मुझको लग रहा है कि पीछे अपनी जैकेट को उठा के रख दूं पीछे, बिना जैकेट के थोड़ी देर चलाते हैं, पता नहीं कहां कहां पड़ जाता है। चलाते चलाते मैं पीठ घुमाता हूं तो बेचारे सोचते होंगे कि जो आसपास देखने वाले कि कर क्या रहा है, डांस कर रहा है क्या। ग्रीनरी बढ़ती हुई, लोगों ने बताया कि आगे आप जाएंगे तो आपको ठंड का अनुभव होगा, वह आपको जैकेट भी पहननी पड़ेगी। तो भैया गर्म जैकेट तो अपन कोई लाए नहीं, जुगाड़ करके आए हैं, एक विंड चीटर ली है लेकिन उसके अंदर बिल्कुल फर नहीं है, लेयर में पहन लेंगे गरम, सबसे नीचे इनर, उसके ऊपर हाफ स्वेटर, उसके ऊपर फुल स्वेटर और उसके ऊपर विंड चीटर, तो इस तरह से हम लोग विंड को चीट कर लेंगे। ये सामने खूबसूरत नज़ारा, एकदम हम लोग स्विट्जरलैंड में आ गए हैं इंडिया के। हरे रंग के जितने शेड हो सकते हैं वो हमें सामने नज़र आ रहे हैं, धानी कलर से लेकर सी ग्रीन, और बाईं तरफ दरख्ते पहाड़, बीच बीच में आर्मी अपने कैमोफ्लेज सूट में कहीं कहीं छिपी है, खड़ी है, बैठी है, नज़र नहीं आती, एकदम से निगाह पड़ती, अरे ये तो आर्मी वाले खड़े हैं। और यश भैया हमसे आगे तेज़ी से जाते हुए सोच रहे आगे आगे कूदो तो मौसा जी को तेज़ी से खींचोगे, मेरी गाड़ी तेज चलाने की इच्छा हो नहीं रही है, अभी चल के इसको डांटता हूँ, तू भाग क्यों रहा है भाई, कुदरत को देखने आए कुदरत को भागने आए। राख के पहाड़, राख की चट्टान और ये अंतहीन टेढ़े मेढ़े रास्ते बेहतरीन खूबसूरती को लिए हुए, जब जब रास्ता अपने आप मुड़ता है तो एक नया एंगल, एक नया डायमेंशन मिल रहा है। अभी ट्रक वाला जब तक नज़र नहीं आता कि कोई आगे आ तो नहीं रहा है तब तक निकल नहीं सकता, पहाड़ों पे ब्लाइंड कर्व है, ब्लाइंड कर्व पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए जब तक कि क्लियर विजिबिलिटी में नज़र नहीं आ जाए, कोई गाड़ी नहीं है ओवरटेक कर सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दो फोल्ड हैं उनके बीच में कोई गाड़ी नहीं है, तो हॉर्न मार के आगे निकल गए। जब भी इस तरह का ब्लाइंड कर्व आता है तो हॉर्न जरूर देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये बंदर, पता नहीं बंदर है कि बंदरिया, एक बच्चे को लेकर घूम रही है। एक्सीडेंट प्रोन जोन ऐसा बगल में लिखा हुआ था। देखिए जियोलॉजिस्ट आके देखें इसमें कितनी लेयर है,
ये खुल गया है ये, लेकिन थोड़ा गलत की तरफ चले गए थे। हमको कायदे से दूसरे के रास्ते की तरफ नहीं आना चाहिए। ये एक पत्थर अभी अभी ऊपर से गिरा। आपको ऐसे स्टोन शूटिंग जोन में अपनी तरफ आते हुए पत्थर की तरफ से बहुत सावधान रहना होगा। ये आर्मी के नौजवान होने में, और ये पहाड़ जैसे लग रहा है एकदम अनबैलेंस पड़ा हुआ है, पता नहीं कैसे टिका है। इसका तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी गड़बड़ है, बीच में कर्व भी है, क्रैक भी नज़र आ रहा है। हे राम, ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि बार बार मेरा गोप्रो का रिमोट काम करना क्यों बंद कर दे रहा है। इतने खूबसूरत नज़ारे के लिए तो लगता है कि दूसरा गोप्रो भी लिया जा सकता है। और हम रास्ता देख के आखिर निकल सकते हैं। टू व्हीलर होने का फ़ायदा यही है कि देखिए जाम के बीच से क्या झरना है। जम्मू से बालटाल और आगे के बीच में सुरक्षा व्यवस्था इस समय बहुत ही चाक चौबंद नज़र आ रही है, क्योंकि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। और इसके पहले भी काफ़ी धमकी वगैरह मिल चुके हैं कि अमरनाथ यात्रियों के ऊपर अटैक किया जाएगा। इस वजह से हर 200-300 मीटर दूरी पर हम लोग देख रहे हैं कोई ना कोई सुरक्षा जवान या पूरी सुरक्षा बटालियन खड़ी है। इस समय हम लोग जिस एरिया से निकल रहे हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जवान देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये मिलिटेंट इन्फेक्टेड एरिया है। ये आर्मी का एक लंबा सा कन्वॉय नज़र आ रहा है, और ये ट्रक वाला जो कि रॉन्ग डायरेक्शन में आके खड़ा कर दिया है इसने, इसकी वजह से जाम की स्थिति हो गई है। अब या तो इस ट्रक को हटना पड़ेगा, अदरवाइज़ इतनी जगह नहीं है कि सामने से आने वाली गाड़ियाँ आगे निकल जाएँ। तो जब भी चलिए हम तो अपनी टू व्हीलर होने का फ़ायदा उठाते हैं और दाएं बाएं करके निकल के आगे बढ़ते हैं। हम लोग थाना रामबन के एरिया से गुजर रहे हैं इस समय, और इस समय आप देखें कि जो सांप की तरह बलखाती सड़कें हैं उसके चारों तरफ की हरियाली है, उसमें बड़े ही आराम से आप घूमते रहे, घंटों इस तरह से गाड़ी चलाते रहें, आपको बिल्कुल थकान का अनुभव नहीं होगा। बार सलाम करते हैं जो कि अपने घरों से दूर रहते हुए और इस कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे हैं और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने। सिक्योरिटी फोर्सेस हर थोड़ी दूर पे नज़र आ रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए। इन जवानों की जो नौकरी है, ड्यूटी है, कितनी कठिन है। चाहे धूप हो, पानी हो, कुछ भी हो, खड़े रहते हैं मुस्तैद। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इससे इन सभी लोगों को रोजगार भी खूब मिला है। इन सुरक्षा में लगे हुए इन जवानों के जज्बे को सलाम करते हैं, बार बार सलाम करते हैं, जो कि अपने घरों से दूर रहते हुए और इस कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे हैं और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए हुए हैं। प्रशांत भाई बड़ी तेजी से कट के निकलते हुए बार सलाम करते हैं, जो कि अपने घरों से दूर रहते हुए और इस कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे हैं और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए हुए। सुरक्षा बल बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, और एकदम मुस्तैदी से अपनी अपनी जगह पे तैनात। सामने भाई भी कहीं लंबी दूरी पे चल रहा है, दो दो जेरिकेन इसने लिए हुए हैं, खरीदे हैं। हम लोगों ने जो जेरिकेन लिए थे उसमें 3-3 लीटर यानी 6 लीटर हम पेट्रोल कैरी कर सकते हैं, लेकिन इस भाई का तो लग रहा है कि एक एक जेरिकेन में 5-5, 7-7 लीटर भर सकता है ये। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हर किसी का सपना होता है कि वह कम से कम एक बार जम्मू कश्मीर की सुंदरता को अवश्य देखें। यदि कोई एक बार इन वादियों में आ जाता है तो उसका बार बार यहाँ पर आने का मन करता है। जम्मू कश्मीर की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है गुरेज घाटी।
यह 125 किलोमीटर श्रीनगर से दूर करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस घाटी का नाम मशहूर कश्मीरी कवि हब्बा खातून के नाम पर रखा गया है, जिनकी प्रेम की कहानियां आज भी घाटियों में गूंजती हैं। यह घाटी जम्मू कश्मीर का प्रमुख आकर्षण है। अगर आप भी प्राकृतिक नज़ारों का भरपूर मज़ा लेना चाहते हैं तो गुरेज घाटी में आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। इस समय खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ भीनी भीनी ठंडी ठंडी हवाओं का भी मज़ा आने लगा है। के अलावा यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की खूबसूरती बहुत ही फेमस है, जिसमें से हरमुख पहाड़ श्रृंखला सबसे फेमस है। सिंध और किशनगंगा नदी के बीच इन पहाड़ों की ऊंचाई लगभग 16,870 फीट है। ये जगह किसी धार्मिक स्थल से कम नहीं है। भगवान शिव का वास होने कारण इस स्थान को पवित्र माना जाता है। तुफैल घाटी दरार लगभग 42 किलोमीटर दूर है और टूरिस्ट के लिए वास्तव में किसी जन्नत से कम नहीं है। इस घाटी के आसपास के गांव फिशिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। रॉयल इनफील्ड बाइकर्स कम्युनिटी जम्मू में, उनसे जलंधर में रहकर बात किया तो उन्होंने कहा बाकी सब तो ठीक है, इंडियन फ्लैग मत लगाइएगा। मतलब कि क्या कंडीशन हो गई है, हम अपने देश में फ्लैग नहीं लगा सकते। चलो प्रशांत हमें आगे बढ़ने का इशारा कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर खूबसूरत नज़ारा, मतलब जिस भी कोने पे हम निकलते हैं तो बस ये लगता है कि इन फ़ोटो को खींचते रहें, इनको अपने कवर कर लें डिजिटल मेमोरी में। और ये ब्रिज, कंक्रीट ब्रिज, इसकी सुरक्षा में मुस्तैद जवान। बनिहाल में जो हम लोगों ने लंच लेने के बाद में थोड़ा सा आराम कर लिया आधे घंटे, वो बड़ा अच्छा रहा, शरीर की पूरी थकान दूर हो गई। ये जवान पीछे जो जवान खड़ा था उसके पीछे डिस्क जैसा कुछ लगा हुआ था, हमें लगता है कि पीछे साइड से कोई अटैक ना कर दे तो उसके लिए उन्होंने पीछे डिस्क टाइप का लगा के अपने को कवर किया हुआ है। ये देखिए जवान, दो तरफ जवान मुस्तैद। एक और जवान यहाँ पर मुस्तैद। हमें लगता नहीं कि हर 500 मीटर दूरी भी बस्ती है जहाँ जवान मुस्तैद नहीं है। फूलों की वादियों के लिए मशहूर गुलमर्ग को कश्मीर की शान कहा जाता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ जमकर बर्फबारी होती है, इसमें कि बहुत ही आनंद आता है। जम्मू कश्मीर तो फेमस है ही है, लेकिन इसको फेमस बनाने में, भारत का स्वर्ग बनाने में लद्दाख का भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये जम्मू कश्मीर का सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। लद्दाख को लाश संग्रीला, लिटिल तिब्बत, मून लैंड या ब्रोकन मून आदि के नाम से भी जाना जाता है। धक करती हुई गाड़ी रॉयल इनफील्ड क्लासिक क्रोम 500, कहीं पर भी अभी इसको पावर की कमी नहीं लगी, ऐसा कभी नहीं लगा कि इसमें पावर कम है। स्पीड कम कर लेते हैं, यू टर्न था, ब्लाइंड यू टर्न। चौथा जवान सब लगता है सेंसिटिव एरिया है।
ऐसा लग रहा है जैसे रेसिंग ट्रैक पे चल रहे हैं, इधर से मोड़ा उधर, उधर से मोड़ा इधर, पूरे समय बॉडी या तो इधर लेफ्ट घूम रही है या राइट घूम रही है। आगे करीब 35 किलोमीटर सड़क बहुत ख़राब थी और उसके बाद ही काजीकुंड से जस्ट पहले फोर रेल लेन हाईवे हम लोग को मिल गया है और इतना खूबसूरत राइडिंग और इतना खूबसूरत कर्वेचर। ड्राइव स्लोली, हम लोग 80 की स्पीड से चल रहे थे, यहाँ पर स्पीड कम है तो हम लोग भी कम हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं। पागल कहीं का क्या दिखाना चाह रहा था, इतने नजदीक से निकला। घाटियों के बीच में आ गए हैं, सामने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ट्रकों की लंबी लाइन, अभी हम लोगों ने कम से कम एक घंटे ट्रकों के बगल से गुजरते रहे, ट्रक की लाइन थी ख़त्म नहीं हुई, लगता कि पूरी घाटी में उन्होंने पॉल्यूशन फैला रखा है। वेट करना है, हाँ कोई नहीं, कोई पीछे कर ले, तेरे को जल्दी आगे है। यहाँ पर दो जगह पे आर्मी ने हम लोग को रोका, जो भी उनका अभियान चल रहा था उस अभियान के चलते उन्होंने रोका। हार्डली 5-10 मिनट हम लोग रुके रहे और ये बड़े मुझे से टहलता हुआ आ रहा है, पालक डर लग रहा है एकदम सही गाड़ी के आगे ना आ जाए। रेलवे क्रॉसिंग, और ये रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से ब्रिज भी नजर आ रहा है। बगल में संगम, बगल में लेफ्ट साइड में है, हम लोग पुलवामा से गुजर रहे हैं इस समय।
के 6:30 करीब हो गए हैं और सूरज की पोजीशन देखिए क्या है। हम लोग श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, करीब 30 किलोमीटर बचा हुआ है श्रीनगर अभी, और सूरज ऐसे है जैसे लग रहा है कि शाम के 3 या 4 बजे का है ये सूरज। चलिए इसी कार के पीछे हम भी ओवरटेक कर लेते हैं, थोड़ा सा गाड़ी पीछे कर लें जिससे अगर इमरजेंसी में इसने ब्रेक लगा दी तो हम बच सके, और इसके बाद लेफ्ट साइड से इस गाड़ी को ओवरटेक करते हैं जिस पर लिखा हुआ टाइगर जिंदा है। अरे भाई टाइगर तो जिंदा है। ये रेलवे ऑफिसर गेस्ट हाउस श्रीनगर है, इसमें रूम नंबर 216 ये अलॉट हुआ है हम लोगों को। आइए अंदर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत चारों तरफ वुड से ही इसकी फिनिशिंग की गई है। सामान फैला हुआ एज यूजुअल, बाइकर्स का सामान बहुत फैला रहता है।